नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। सांगानेर में गौवंश के मांस के व्यापार के संदेह पर हिंदू संगठनों ने सुभाष नगर थाने के बाहर किया हंगामा। AFSL की टीम मौके पर पहुंची। भिलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में उस समय माहौल गर्मा गया जब सूचना मिली कि एक ठेकेदार द्वारा गौवंश के मांस का व्यापार करने की फिराक में है। देखते ही देखते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण वहां पर जमावड़ा लगाकर इकट्ठा हो गए और ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए सुभाष नगर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद द्वारा ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। इस मामले में CEO सदर रामचंद्र चौधरी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर टीम को भेजा गया है और ठेकेदार को तलब किया गया है और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। सांगानेर से तस्वारिया रोड पर जंगल के अंदर गौ मांस अलग अलग थैलों में पैक होकर पार्सल के रूप में बेचने के लिए तैयार थे। गांव वालों को, कार्यकर्ता को जानकारी मिली। वहां जब कार्यकर्ता पहुंचे तो जिस तरह से एक व्यवस्थित रूप से किसी सामग्री को पैक करते हैं बेचने के लिए, उसी प्रकार से गौ मांस के टुकड़े को अलग अलग सैंपल, अलग अलग वैरायटी, ये नस अलग है, ये गुर्दा अलग है, ये क्या क्या अलग है, इस तरह के मांस के पार्सल बने हुए थे और एक गाड़ी भी खड़ी थी। उस गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो पूरा प्रयोग कर रहे थे। पूरा क्षेत्र जंगल टाइप का था। जानकारी में ये भी पता लगा कि नगर परिषद द्वारा गौवंश जो वहाँ लाया जाता है, मृत गौवंश जो लिम्पिक वायरल से है, ग्रसित गाय है। और दूसरा ये भी जानकारी में आया है कि जो जिंदा गाय है उनको भी वहाँ वध करके गौ मांस बेचने का कार्य चल रहा था। आज इसकी रिपोर्ट हमने सुभाष नगर थाने में दर्ज कराई है। प्रशासन से मांग करते हैं कि षड्यंत्र को फाश करें। भिलवाड़ा की पवित्र नगरी में यदि इस तरह का कृत्य हो रहा है, गाय मांस बेचा जा रहा है, चाहे इसके पीछे कोई भी संस्था हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे कोई भी स्थानीय लोकल संस्था हो, चाहे किसी भी ठेकेदार कर्मचारी का हाथ हो, वो राज फांस होना चाहिए। और गौ माता को बेचने वाले, गौ माता को मांस जो खरीदते हैं, उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है। ये कितनी सामग्री होगी, कितना किलो होगा? लगभग 1000 किलो के आसपास गौ मांस वहाँ नजर आया था। उसके सारे फोटो वीडियो आपने भी लिए हैं, वो जानकारी आपके पास भी है। कितने बंदे थे? 6-7 जने थे। 2-3 जने और वहाँ से बच भी गए थे जैसे ही पुलिस और कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे थे। नगर परिषद की क्या भूमिका लगती है इसमें आपको? नगर परिषद का ये है कि किसी के मृत पशु जो होते हैं, जो ओलंपिक वायरस है, वहाँ उसका डालने का काम, गाड़ने का काम ये लग रहा था। यदि गाड़ने का काम है तो फिर गाय का मांस कैसे आ रहा है? गणेश प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद, विभाग मंत्री। सवारिया रोड जाते हैं तो साइड में ये जो मृत पशुओं के डिस्पोजल की जगह है, वहाँ पर ये अपने आप को नगर परिषद का ठेकेदार बता रहा है। मनोज करके है बंदा, जो अपने आप को नगर परिषद का ठेकेदार बताता है। जो इसके द्वारा जो कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा एतराज किया गया कि जो मर्द गाय हैं, जो लंपी से बीमार हैं और जिसकी बीमारी फैलने की संभावना है, उन गायों की जो मांस वगैरह उनको पैकेट करके सप्लाई करना या बेचना इनके द्वारा आरोप लगाया गया है। और गायों की जो उसका डिस्पोजल का जो प्रॉपर तरीका उसको नहीं करना बताया गया है। और इस संदर्भ में इन्होंने रिपोर्ट दी है। जो रिपोर्ट पे जो विधि सम्मत जो होगी कार्रवाई की जाएगी। मनोज को तलब किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है क्या मामला है, इसमें अनुसंधान के बाद ही कहा जाएगा। मनोज ठेकेदार तार के अलावा और भी कोई बंदों को लेके आएंगे? अभी जो मनोज ठेकेदार है उसी से हम पूछताछ की जा रही है। जो मनोज ठेकेदार के कुछ साथ में काम करने वाले मजदूर वगैरह अलग है, इस संदर्भ में अभी उनसे पूछताछ, क्योंकि जो काम सारा कर रहा था मनोज ठेकेदार ही कर रहा था। Stay updated always with Bhilwara Lokwani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।